मेरा तो ख्याल है मैं थोड़ी देर के लिए इस ड्रग्स के साइड से हो जाऊं, नीचे में नहीं जा रहा। क्योंकि जितनी स्पीड से ये पता नहीं कोई पत्थर था या कोई और चीज़ थी, बिजली की स्पीड से मेरी तरफ आई है। देखिए आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। मुझे पता है कि पहले भी दरवाज़ा आपने खोला है, मुझे अंदर आने की दावत दी है। अब मैं पता नहीं इसको दावत समझूं या चेतावनी समझूं। देखें आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे आप गांव वालों को नज़र आते रहे हैं, एक औरत जिसकी हाइट कद तकरीबन 15-16 फीट है और एक बुज़ुर्ग है जिनकी उम्र 50 से 60 साल, ये दोनों आइडेंटिटी तो मैंने नहीं देखी। औरत को तो मैंने हाँ देखा है उधर, ये जो बुज़ुर्ग की आवाज़ है ये बकायदा मैंने सुनी है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कौन है? अभी मैं जैसे निकला हूँ और मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से दरवाज़ा मारा है और बहुत ज़ोर से लगाया है। और उस अल्लाह अकबर, ये देखे ऐसे लगता है जैसे कोई पास से बहुत स्पीड में भागता है, और ये अभी भी बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई इधर से भाग कर गया है, और ये बाकायदा ये मट्टी उड़ी है। ये कौन है? ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैठा हो नीचे। ओह अकबर, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ लगाया है। कौन है? और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये कौन है? नहीं, ये दरख्त है। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई ना नीचे बैठा हुआ है। इस कमरे की चाबी शायद मैं उनसे लेना भूल गया हूँ, क्योंकि उस कमरे की तो मैंने खुद उनसे लेकर मैंने बोला कि मैंने समझा कि उसने इसका जिक्र भी नहीं किया मेरे साथ कि इसको ताला लगा है, ये खुला हुआ है। पता नहीं अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने बताया भी नहीं मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये कौन है? और ये आप देखे एकदम से अंधेरी स्टार्ट हो गई है इस जगह पर। और ये बकायदा ये ईंटें इधर पड़ी हुई थी, जमा हुई हुई थी, और ये बिल्कुल बिखरी पड़ी। आवाज़ भी आई है, उससे पहले मुझे आवाज़ आई है अल्लाहु अकबर। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी देर के लिए ना ये दरख्त के नीचे से निकल जाना चाहिए। मुझे पहले उस दरवाजे पर नोक हुई है, पीछे ही मुझे ईंटें गिरने की आवाज़ आई है, और जैसे मैं ईंटों के पास आया हूँ और पीछे से फिर नोक होने की आवाज़ आई है,
और आप देखें कि बाइक से ताला लगा हुआ है, बड़ी आवाज़ भी आई है, उससे पहले मुझे आवाज़ आई है अल्लाहु अकबर। और ये जो एकदम से अंधेरी चली है ना इतनी स्पीड में, ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी अलामत नहीं है। और जैसे ही आप देखें कि अंधेरी स्टार्ट हुई है, एक्टिविटी भी बढ़ गई है। और ये आप देख सकते हैं दूर दूर कितने मेरे आसपास रखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं हिल रहा। और बिल्कुल इसी जगह पर ये देखें जैसे कोई तूफान आ गया हो। अल्लाह अकबर, ये मेरी अब समझ से बाहर है। और ये देखें, ये सिर्फ ये जो इस हवेली की बाउंड्री है इसके दरमियान में इतनी तेज़ अंधेरी चल रही है, ये बाहर आप देखें सामने कितने दरख्त हैं, कोई चीज़ नहीं हिल रही। और मैंने आपको पहले बोला ये जो एकदम से अल्लाहु अकबर, मेरे कंधे पर बहुत जोर से किसी ने हाथ मारा है। अल्लाहु अकबर, अब तो ये धिक्के देने पे आ गए हैं। ये देखें ये चप्पल, ये ले, एकदम से खामोशी हो गई है। अल्लाहु अकबर, ये बकेट हिल रही है फिर। देखें आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने है। और एकदम से अंधेरी बिल्कुल थम गई है, ये देखें, क्योंकि जैसे ही अंधेरी आई थी मेरे लिए ये तो एक नई अलामत है, जैसे ये चीज़ें मेरे पर हैवी हो गई हैं। ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऑन कैमरा, पहले दरवाज़ा बंद हुआ है, उसके बाद ये कही ये जो ये अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं ये घूमती हुई आई है। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कौन है? ये मुसलसल मतलब कि आवाज़ आती है कुछ अरसा, ये ऐसे लगता है जैसे बहुत से लोग हजूम के अंदर मेरे इर्द गिर्द बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं, और एकदम से ये आवाज़ बंद हो जाती है, फिर एकदम से आना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो भी उन्होंने वाकया बताया ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो एक अल्लाहु अकबर, उस जगह पर भी पहले बिल्कुल ऐसे ही वो ईंटें जुड़ी पड़ी हुई थी,
और वो उड़कर गिरी हैं, सारी टूटी हुई हैं। और ये देखें बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ये ईंटें गिर के नीचे आई हैं। लेकिन अभी जो एक अल्लाहु अकबर, देखिए बगैर नुकसान पहुंचाए सामने है। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये बकायदा हिल रही है, जैसे कोई इसको पकड़ के हिला रहा हो। बहुत यार, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बहुत जोर से पीछे से किसी ने धक्का दिया मेरी कमर में। और ये देखें, ये बार बार मसला तभी होता है जब मैं इस कमरे की तरफ आता हूँ। और मेरे ख्याल से वो बुज़ुर्ग सोते भी शायद इस जगह पर ही हैं। ये देखें, क्योंकि वो काम करने वाले जूते, सामान, साजो सामान वैसे इधर पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ अंदर, देखता हूँ कि क्या होता है। देखें आप बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये देखें किस कदर इस जगह पर जाले लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास से आवाज़ आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने अभी ये बोला ही है कि मैं थोड़ा सा टाइम अंदर स्पेंड करता हूँ, और वैसे ही मेरे इर्द गिर्द से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। और उसी टाइम ये दोनों दरवाजे बंद हुए हैं, और बहुत फोर्स से, जैसे किसी ने इनको गुस्से में आके मारा हो कि मेरी जगह से निकलो इधर। बिल्कुल मेरे पास से आवाज़ आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर। ये तो भी इधर पड़ा हुआ था इस जगह पर। ये देखें, सुने गौर से, आवाज़ें बिल्कुल ऐसी आ रही हैं, ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे इर्द गिर्द खड़े होकर बहुत से लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं।
अल्लाहु अकबर। और बहुत से लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये उठाकर चप्पल मेरे कंधे पे मारी है, मेरी तरफ फेंकी है, मेरे कंधे पे आग लगी है। अकबर, और मैं आपको बताऊं, एक्टिविटी ये दरख्त के इधर ही सारी हो रही है, उधर भी एक्टिविटी हुई है, लेकिन वो इस मकदार में या उस हद में, उस इससे ज़्यादा नहीं हुई। एक हद होती है, लेकिन ये जो एरिया है, ये कमरा और इसके आसपास ये दरख्त जितने भी हैं, इसके इर्द गिर्द जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, इसके इर्द गिर्द हो रही हैं। और जब उन्होंने मुझे बोला कि ना बाबा जी भी उस कमरे में सोते थे, और मेरी उस टाइम ही वो जो कहते ना कि छठी इस कहती है कि जो भी मसाइल होंगे उधर ही होंगे। और ये आप देख लें, आपके सामने है, जो भी हो रहा है, इस कमरे के पास में जाता हूँ, कोई ना कोई मसला होता है। आप बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे आप शुरू में इधर वो औरत मुझे नज़र आई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो औरत इस जगह पर, ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। यही अल्लाहु अकबर। बिल्कुल इस जगह पर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बैठा हुआ था, टांगे लमका कर नीचे। बिल्कुल इस जगह पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई टांगे लटका कर नीचे बैठा हुआ हो, और वाइट लिबास था उसका। अब वो फीमेल नहीं थी। मेरा दिल है कि मैं उस साइड पर भी जाऊं, लेकिन आप ये देखें कि एक्टिविटीज़ इधर हो रही हैं। मैं जब भी उधर जाने की कोशिश करता हूं, पीछे कोई ना कोई आवाज़ आती है। अभी मैं उधर जाने लगा हूं, और ये पीछे से ये जो झाड़ियां ये हिली हैं, और अभी बिल्कुल बकायदा इस जगह पर ना, ये जो ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक टांग इस वाली साइड पर थी, एक टांग उस वाली साइड पर, कोई लटका कर बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। फिर सेम वही हुआ, किसी ने धक्का दिया, ये किसी ने बोला चलो। कोई लटका कर बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मुसलसल एक्टिविटी तो मेरे साथ हो रही हैं,
लेकिन वो एक खुल के, जैसे मैंने इनको काफ़ी दफ़ा बोला है कि आप बगैर नुकसान पहुंचाए मेरे सामने आ जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस एक ये फिर सेम वही मेरे इर्द गिर्द आवाज़ें हैं जैसे कोई आपस में बैठ के बात कर रहा हो। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी मज़ीद पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये परिंदे भी ऊपर आए हैं, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। मुझे मज़ीद थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें खुलकर अपना वजूद जाहिर कर सके। एक्टिविटी तो हो रही है, ये नहीं है कि एक्टिविटी नहीं हो रही, एक्टिविटी हो रही है, सिर्फ ये वजूद का आप अपने आप को जाहिर कर दें, अपने वजूद का जाहिर करवा दें जैसे आप लोगों को नज़र आते रहे हैं। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अल्लाह अकबर, और ये देखें अभी मैंने पढ़ाई का नाम लिया है, अभी मैंने कुछ कलिमात पढ़े हैं मुंह में, और ये देखें एक्टिविटी कैसी हो गई है। और ये इतनी, ये देखें काफ़ी, ये काफ़ी भारी लकड़ी है, कोई हल्की नहीं है, ये पूरा एक एक दरख्त का टहन है, और ये उधर पड़ा हुआ था उड़ के इधर आया। देखें बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कौन है? बिल्कुल वैसे ही इस रस्त के पीछे फिर मुझे वैसे लगा जैसे कोई औरत है। मुझे अब जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है ना, ये एक्टिविटी फिर बढ़ गई है, और ये अब हैवी वाली, वो कहते हैं ना कि किसी को डराने के बाद चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं अपने वजूद का जाहिर कर दे, मैं यहाँ से चुप करके चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको महसूस करने के लिए आया हूं। मेरा मकसद आपको तंग करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से ये लोग इर्द गिर्द के इलाके वाले डरे हुए हैं, और हवेली वाले खुद कहते हैं हम मगरिब के टाइम इधर से अपने वो जो माल डंगर जानवर लेकर इधर से चले जाते हैं। ये सुने, ये परिंदों के बीच एक अलग किस्म की आवाज़ आ रही है, क्या मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कौन है? कौन है? मैं इधर थोड़ी देर साइन मांगने की और कोशिश करता हूँ, मैं बैठा तो वैसे एक गलत जगह पर हूँ, बिल्कुल दरख्त के नीचे, बिल्कुल दरख्त के नीचे, इधर कुछ भी हो सकता है। अल्लाह अकबर,
मुझे पीछे से पकड़ कर किसी ने खींचा है और इस टाइम ही इधर से दरवाजे की भी मुझे आवाज़ आई है। अल्लाह अकबर। जैसे मैं गिरा हूँ उसी टाइम मेरे ये कौन है, ये कौन है, कौन है इधर? बकायदा मैंने आपको इस जगह पर फिर देखा है। और अभी मुझे मेरे कपड़ों से ये पीछे जो कॉलर होता है ना, इधर से पकड़ के किसी ने खींचा है। मैं बैठा हुआ था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे किसी ने खींचा है इस जगह पर, और बड़ी ज़ोर से मेरी कमर ये नीचे लगी है जाकर। आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए, मैं यहाँ से चुप करके चला जाऊंगा। अगर आज आप भी जिद में हैं, मैं भी जिद में हूँ, अपने वजूद का जाहिर करें, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये देखिए, ये जो मैं जो चुप होके खड़ा हुआ था ना, मुझे थी कि ये जो मैंने ज़िद्द वाली बात की है ना, मुझे था कि अब कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा, और मैं इसी इंतज़ार में था। ये हकीकत बात है, मैं एक मेंटली तौर पर बिल्कुल रेडी था। ये मैंने दिल दिल में सोच रहा था कि मैंने ये बात तो कर दी है, ये मुझे लगता है कि इसका मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, और मैं मेंटली तौर पर बिल्कुल रेडी था, और मैंने खामोशी इख्तियार भी की है 2 मिनट के लिए। देखें आप, मुझे पता है कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने पे आ गए हैं, बस अपना जाहिर करवा दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। और ये तकिया है शायद, ये मुझे लगता है उन्हीं बुजुर्गों का है जो बाबा जी इन्होंने काम के लिए यहाँ पर रखे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन है? ये देखें, अल्लाहु अकबर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ इधर से, मुझे पता है कि आप मेरी जान लेने पर आ गए हैं। आप इससे ये पहले उसे बोला ही नहीं जा रहा, इससे पहले ये मुझे अब जाने नुकसान पहुँचाने पे आए, क्योंकि ये जो भी इधर चीज़ है, जो भी मखलूक है, वो अभी मुझे जाने नुकसान पहुँचाने पे आ गई है, और मुझ पर हमले पे हमले हो रहे हैं। देखें, ये आपकी जगह है, आप रहें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी जगह है, आप रहें। आपके सामने देखा, अपने पीछे बहुत साइन रिकॉर्ड हुए हैं, एक दो जगह पर मुझे वो औरत नज़र भी आई है, और एक जगह पर मुझे वो बुजुर्ग की, ये अब ये देखें बिल्कुल वैसे फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जैसे मेरे इर्द गिर्द फिर वैसे हजूम इकट्ठा हो गया हो। लेकिन जो भी, खैर जो भी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी जगह है, आप रहे।